Hello everyone and welcome to all. How are you all? Hope you all doing good. So today's class is based on order 12 और नो के नो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें. बट एक बात अभी जो मैं कहने वाली हूँ ना उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब बातें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बट ये बात आपके लिए एकदम नई है. अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यू जस्ट कीप काम एंड गेट क्लोजर टू योर गोल्स एज An Academy is bringing you the first ever An Academy Judiciary Scholarship Test 2021. इसमें सिंपल बात है 18 जुलाई 11 बजे से शुरू होगा. सिंपल बात है, आपने क्या करना है, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट लगाना है और आपको बहुत सारे प्राइजेस, स्कॉलरशिप इतने रुपए तक की मिलने वाली है. ठीक है, 18 जुलाई से शुरू होगा, आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है ये. तो अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट UGST, अन अकेडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और कोड लगाना कौन सा है आपने, ये कोड लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट. ये कोड लगाना है आपने, ये 6 अक्षर का मेरा नाम. इस कोड को लगाते ही आप अवेल कर लेंगे टेस्ट. ठीक है, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं. ध्यान रखना, कोड मत लगाना भूलना, ARCHNA, 6 अक्षर का नाम है, 6 अक्षर का नाम, बार बार बोल रही हूँ मैं. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. और आपके लिए इतने सारे फीचर्स अन अकेडमी पर हैं. एक और बात बतानी है आपको, मैंने अब अपना CRPC स्टार्ट किया. जैसे अभी यहाँ पर आप CPC पढ़ते हैं ऐसे ही रोज़ 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ CRPC की. और CRPC की 12 बजे क्लास होती है. अभी आज पहली क्लास थी. तो जैसे आप यहाँ CPC पढ़ रहे हैं, आसान शब्दों में कोशिश करती हूँ, ऐसे ही CRPC भी पढ़ेंगे. तो अगर आप लोग आए मेरे साथ जुड़े तो बहुत बहुत स्वागत है. कोड लगाना मत भूलना, ARCHNA, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आराम से बैठिए, इत्मीनान से बैठ के हम पढ़ते हैं. ठीक है, अन अकेडमी और फिर नोट्स भी आपको मिलते हैं. इतने सारे फीचर्स होते हैं. अगर कभी रह जाए आपसे क्लास मेरी, जैसे आज की क्लास रह गई, तो चिंता मत मानिएगा, आपने कुछ नहीं करना. आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो. मेरी प्रोफाइल पे जाना, मुझे सर्च करना अन अकेडमी जुडिशरी में, गोल सेलेक्ट क्या करना है, जुडिशरी, मुझे सर्च करना. और सर्च करने के बाद वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने मेरा कोड लगा देना है, जो भी आपको मेरी वीडियो देखनी है. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दो हमने बार बार आपको बताए थे ना, दो ऑफ़र, एक तो यही वाला ऑफ़र कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीना फ्री, 18 पे 2 और 24 पे 3 महीना फ्री. तो ये बड़ा अभी बेसिक जो है वो अभी चल रहा है, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं. ये बैच स्टार्ट होने वाला है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है. तो बैच स्टार्ट होगा भाई, इसको देख लेना प्लीज़, आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा. और ये प्राइसेस भी अभी एज इट इज़ ही हैं, 8 जुलाई से इंक्रीज़ होंगे. तो अभी भी अगर आप सोए बैठे हो तो प्लीज़ जाग जाओ. और अगर आप अवेल करना चाहते हो तो प्लीज़ अवेल कर लीजिए. ठीक है, और ये मॉक टेस्ट होते हैं, रोज़ लगाना शुरू कर दीजिए. स्कॉलरशिप टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी. कोड लगाने के लिए आपने क्या करना है, बस मेरा नाम एंटर करना है, ARCHNA. और ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, सब्सक्रिप्शन प्लान है ये, 12 महीने के लिए 2635, 18 के लिए 2056, 2156, 24 के लिए 1917. तो काफ़ी, और उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं. कोड कैसे लगाना है, ऐसे जुडिशरी का गोल सेलेक्ट करें, जब आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट जुडिशरी PCSJ सब्सक्रिप्शन एंड अनलॉक, तो यहाँ पर जहाँ लिखा है वहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना. अलग अलग महीने के आ जाएंगे आपको, जिस महीने का आपको सेलेक्ट करना तो कर लेना. फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे जो एरो आपको दिख रहा है ग्रीन था, यहाँ पर आपने रेड कलर का नाम अर्चना जो है वो टाइप कर देना है. ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं ऑर्डर 12. हाँ जी, तो ऑर्डर 12 जो कि एडमिशन के ऊपर बेस्ड है, उसको समझने से पहले हमको समझना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया सेक्शन 17. वो क्यों, देखना बोरिंग नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए कि एडमिशन का मतलब क्या होता है. पहले तो समझो कि एडमिशन के प्रोविज़न इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ दिए गए हैं.
देखो चैप्टर सेकंड में जहाँ से सेक्शन 5 शुरू होता है वहाँ पर ये बताया गया कौन कौन से फैक्ट होते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं और उन्हीं के बारे में सेक्शन 6 से लेके 55 तक बता दिया गया। तो फिर उसके बाद सेक्शन 17 को उन्होंने ऐड किया और जो कि सेक्शन 17 है वो हमें क्या कहता है, सेक्शन 17 हमें सीधा सीधा एडमिशन को डिफाइन कर देता है। क्या कह देता है भाई, एडमिशन को डिफाइन कर देता है। अब देखो सेक्शन 5 ने क्या कहा था, सेक्शन 5 जो था उसने कहा था एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। दो बातें हमें सेक्शन 5 बताता है, पहली बात बताता है क्या, पहली बताता है गिवन फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। तो हमारा कहने का मतलब फैक्ट इन इशू से क्या होता है, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है विवाद्यक क्या है, विवाद्यक का मतलब डिस्प्यूट क्या है, मामला क्या है, किस मामले की वजह से हम कोर्ट में आए हैं। तो सेक्शन 5 हमें ये कहता है ठीक है कि एविडेंस उनके बारे में दिए जा सकते हैं जिनका कि मामला आप जिनके कि मामले को लेकर के आप कोर्ट में आए हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है रेलिवेंट फैक्ट, तो रेलिवेंट का मतलब जो हमारे फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होंगे वो हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगे, ठीक है। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम जाते हैं, टेक्निकल नहीं होते तो सिंपल। फिर 17 हमें कहता है एडमिशन डिफाइंड, तो जब एडमिशन डिफाइंड उन्होंने कहा तो उसका मतलब वो हमें बता रहे हैं कि एडमिशन होता क्या है। उन्होंने कहा कि एडमिशन जनरली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। एडमिशन क्या होता है, 17 की डेफिनेशन को हम ऑर्डर 12 के साथ ज़रूर लिखेंगे, हमें क्लियर होता है 17 क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और हमारा ऑर्डर 12 और एडमिशन जो होता है उसको समझना और इजी हो जाता है। तो 17 क्या कहता है, एडमिशन डिफाइंड। एडमिशन डिफाइंड का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें बताता है किसी किसी किससे रिलेटेड क्या बताता है, जो हमें एक इन्फरेंस सजेस्ट करता है, एक इन्फरेंस सजेस्ट करता है किसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। मतलब कि हमें इस तरीके की बात पता चलती है एडमिशन से जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो हमारे फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट बनाता है। ये एक एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है। पहले सिंपल उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट होता है, कोई कथन हुआ, किसी ने कोई बात भी कही, और वो बात कैसी हो जाएगी, उससे जो मतलब निकल के आएगा वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, हमारे केस के लिए ज़रूरी हो जाएगा। बनाता कौन है, एनी ऑफ द पर्सन्स एंड सरकमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मैंशनड। यानी कि सेक्शन 17 के बाद उन्होंने जो सरकमस्टांसिस बताई सेक्शन 17 से लेके और 23 तक जहाँ पर एडमिशन के बारे में बताया गया है। फिर एक सेक्शन 31 भी बताता है हमें एडमिशन के बारे में। तो ये सारी बातें उन्होंने कही कि आगे आने वाले सेक्शंस में जो हम पर्सन्स बता रहे हैं वो पर्सन्स एडमिशन करेंगे और फिर उन्हीं सरकमस्टांसिस में एडमिशन होंगे और उन्हें हम जो है ले लेंगे, क्या कर लेंगे, ले लेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे लिए फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है या रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। और ये एडमिशन चाहे व्यक्ति ओरल बनाए, चाहे डॉक्यूमेंट्री बनाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाए, कैसे भी बनाए, हम उसको ले लेंगे। फिर 18 हमें बता देता है कि भाई एडमिशन बाय पार्टी टू ए प्रोसीडिंग और इज एजेंट, जो पार्टी है प्रोसीडिंग की, जैसे जो सूट की पार्टीज होती हैं वो बनाएंगे एडमिशन, या उनका एजेंट भी बना सकता है। यहाँ तक कि 18 में ये भी बताया कि अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है कैरेक्टर वाला सूट है तो उसमें कैसे एडमिशन होंगे, ठीक है। मतलब हर चीज़ 17 के बाद के प्रोविज़न ने हमें बताई, इसीलिए जानना ज़रूरी था, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे लिए जो आ जाता है यहाँ पर, वो आता है कि भाई सेक्शन 23 जो कहता है, क्या कहता है सेक्शन 23, वो कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होंगे वो हमें सेक्शन 23 कहता है। सिविल केस जो इसकी डेफिनेशन है वो समवट नेगेटिव है। इसमें कहा गया है कि एडमिशन, कोई भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा अगर ये कोई एक्सप्रेस कंडीशन पे बेस्ड है। कैसी एक्सप्रेस कंडीशन पे, कि भाई उन्होंने आपस में सेटिंग कर रखी है कि भाई हम एविडेंस नहीं देंगे, एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन, किसका एडमिशन नहीं दिया जाएगा। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति ने कहा मैं एडमिशन कर रहा हूँ लेकिन आप इसके एडमिशन नहीं करोगे, तो अगर इस कंडीशन पे किसी ने एडमिशन करा है तो उस एडमिशन को हम मान्य नहीं करेंगे। इस कंडीशन को छोड़ के बिना किसी कंडीशन के अगर एडमिशन हो रहा है तो हम मान्य करेंगे। सिंपल कहा कि सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा अगर ये एक एक्सप्रेस कंडीशन पे बनता है कि एविडेंस ऑफ इट, किसके एडमिशन के एविडेंस जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे, या ऐसी सरकमस्टांसेस जहाँ से कोर्ट ये मतलब निकाल पड़ सके
कि पार्टीज़ ने पहले से ही आपस में तय कर लिया है कि इसके एविडेंस नहीं निकाले जाएंगे, इसके एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए कहा गया ऐसे एडमिशन्स को हम सिविल केसेस में नहीं लाएंगे जहाँ पर आगे आप फर्दर एडमिशन देने के लिए, फर्दर जो है एविडेंस देने के लिए मनाही करते हो, चाहे आपस में शर्त कर लेते हो या फिर आप कह रहे हो कि भाई इसके जो है एक्सप्रेस कंडीशन है कि भाई हम तभी एडमिशन करेंगे जब जो है हमें एविडेंस देने के लिए आप नहीं करोगे। ठीक है, तो 23 हमें इम्पोर्टेंट बात कहता है, तो आप देखते रहना 17 हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट 23 ज़रूरी है लिखने के लिए, ऑर्डर 12 के साथ जो लिख के आएंगे। वैसे तो एडमिशन सारे ज़रूरी हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जो मैंशन किए, लेकिन जो हम इसके साथ मैंशन करके आएंगे प्रोविज़न 17 मेंशन करके आना, 21 मेंशन करके आना। अच्छा ये लिख लेना प्लीज़, है ना, मैंने इसमें स्लाइड में लिखी नहीं, आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर लिख लेना कि 17 लिख के आना, 21 लिख के आना और फिर 31। ठीक है, 31 कहता है एडमिशन नोट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल, एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता लेकिन वो स्टॉपल की तरह काम करता है। तो हमें क्लियर हो जा रहा है कि भाई एडमिशन अगर हम यहाँ ऑर्डर 12 में करेंगे तो वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, वो एक एस्टोपल की तरह काम करेगा। एस्टोपल कैसे, जो हम सेक्शन 115 में इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि एक बंदा अपनी कही हुई बात को मुकर नहीं सकता, एस्टोपल का मतलब उसके ऊपर हम स्टोपेल लगा देते हैं, उसके ऊपर हम एक तरीके से रोक लगा देते हैं। तो ये तीन प्रोविजंस को ज़रूर लिख के आइएगा जब ऑर्डर 12 को आप लिख करके आए। ठीक है, तो आप देखो ऑर्डर 12 में हमने एडमिशन पढ़ने, हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद बेयर एक्ट से समझेंगे। तो एडमिशन का नेचर एंड स्कोप क्या है, देखो नेचर एंड स्कोप एडमिशन का ऐसा है भाई, एडमिशन जो एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बता दिया कि एक व्यक्ति किन्हीं स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है, किन्हीं फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे हमें समझ में आता है कि उसने जो है एक्नॉलेजमेंट किया, जो भी फैक्ट जो भी बातें उसने एक्नॉलेज की उसको हमने एडमिशन बता दिया। ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर में एग्जामिनेशन इन चीफ जब भी होता है, ध्यान रखना जब भी एग्जामिनेशन चीफ होता है सिविल प्रोसीजर में वो कहाँ होता है, वो एफिडेविट पे होता है, और जब हम क्रिमिनल में जाते हैं तो वो ओथ में होता है। तो दोनों के बीच के इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ जब हम सिविल में पढ़ते हैं तो वो होता है कैसे, एफिडेविट पे, और जब क्रिमिनल में पढ़ते हैं वो होता है ओथ पे, यानी रिटिन में होगा सारा काम जब सीपीसी की बात करेंगे, और ओथ पे होगा, शपथ दिलाई जाती है क्रिमिनल में। ठीक है, तो एडमिशन भी यहाँ पर कैसे होंगे, एफिडेविट पे होंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको प्रोविज़न बताए थे सेक्शन 17 और सेक्शन 23, 31, है ना, इन प्रोविज़न के अलावा 21, इन प्रोविज़न के अलावा प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि आपने एक चीज़ और पढ़नी है। क्या पढ़ना है, सेक्शन 58 जो हमें कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नोट बी प्रूव्ड, जिन फैक्ट को एडमिट कर लिया उन्हें फिर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 31 में पढ़ा कि एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, बट दे कैन बी कंसीडर्ड एज एस्टोपल, उन्हें हम एस्टोपल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होते। लेकिन हमें सेक्शन 58 कहता है कि जिस बात को एक बार एडमिट कर लिया उस बात के आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि हमें ये बात हमने अभी आपको बताई थी कि हमारा जो सेक्शन नंबर 23 है ना, वो हमें कहता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, कि कब रेलिवेंट होते हैं, जब आपने आपस में कंडीशन तय नहीं करी हो कि हम जो है इसका एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो मतलब एविडेंस अगर कहा जाएगा तो हम देंगे। ठीक है, इट कैन बी मेड बिफोर द सूट और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट, तो एडमिशन सूट के फाइल होने के बाद भी करा जा सकता है और सूट के फाइल होने से पहले भी करा जा सकता है। एडमिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, एडमिशन का ऑब्जेक्ट ये है कि भाई जिन फैक्ट को एडमिट कर लिया गया फिर उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। 23 ने तो हमें कहा एविडेंस अगर कहे जाएंगे तो हम वो मना नहीं करेंगे, उसके लिए आप आपस में तय करके मत आइए, समझ लीजिए इस बात को, लेकिन हाँ ये आपको प्रूविंग फैक्ट्स करने के लिए आगे मना करता है, सेक्शन 58 हमें यही कहता है। फिर जजमेंट और डिक्री जो होते हैं वो एडमिशन के बेस पे हो सकते हैं, और ये एक बड़े सारे केसेस में हेल्ड हुआ है कि जब भी एक पार्टी अपने आप
कुछ चीज़ को एडमिट कर लेती है तो मान लिया जाता है, प्रज्यूम कर लिया जाता है कि वो बात सत्य है। भाई अगर कोई बात है, सोच के देखो, अगर मैं बोलूँ आपने मुझे कहा, आपने मेरे ऊपर सूट फाइल किया है कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले रखी है, और अगर मैं कह दूं कि हाँ मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है, तो मान के चलिए वो बात सत्य है, प्रज्यूम करिए सत्य है। कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट कुछ भी गलत क्यों कहेगा, अपने अगेंस्ट कुछ भी गलत क्यों कहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट एडमिट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सच ही होगा। ऑर्डर 12, ये प्रिजम्पशन है, ध्यान रखना ये प्रिजम्पशन है, ये नहीं है कि इसको आप खंडन ही नहीं कर सकते, अगर खंडन कर सकते तो बात अलग है, ये प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन है, ध्यान रखिएगा प्लीज़ इस बात को। दिस इज़ ओनली द प्रिजम्पशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस बात का कि एक व्यक्ति अगर कोई एडमिशन करता है तो वो सत्य ही होगा, ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन है। ऑर्डर 12 क्या कहता है, एक तो कॉस्ट बचाता है कि आपको फर्दर एविडेंस नहीं लेने पड़ेंगे, एक टाइम पीरियड कम करता है केस का, इसके अलावा हमें समझ में आया कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसका हमारे एडमिशन का यही होता है, डिस्पेंस विद प्रूफ, प्रूफ से छुट्टी पाना। फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस ये होता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि सबसे अच्छा और सबसे मजबूत पीस ऑफ एविडेंस होता है, क्योंकि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूफ, सेक्शन 58। एडमिशन सब्सटांटिव एविडेंस होते हैं अपने आप में ही, सेक्शन 17 और सेक्शन 21, दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ इन नेचर, वो हमने आपको बता ही दिया, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, उनको फर्दर एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है। अब यहाँ देखना, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे हम इसको, अगर एडमिशन बियॉन्ड डाउट प्रूव हो जाते हैं और डिली प्रूव हो जाते हैं, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ विटनेस अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स और नॉट, द एडमिशन कैन बी कंसीडर्ड एडमिजेबल। अगर एक व्यक्ति ने कोई एडमिशन दिया, ठीक है, एडमिशन दिया और एडमिशन प्रूव्ड हो गए बियॉन्ड डाउट मतलब कि संदेह से परे, मतलब अब कोई संदेह ही नहीं है इस बात पे कि ये बात गलत हो सकती है, ड्यूली प्रूव हो गए हैं, तो उस केस में इस बात के बावजूद कि विटनेस खड़ा हो विटनेस बॉक्स में नहीं हो, हम एडमिशन को एडमिजेबल मान लेंगे। सिंपल बात हमें यहाँ पर ये बात कहती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कितने तरीके के होते हैं, बाय अग्रीमेंट एडमिशन हो सकता है, बाय नोटिस हो सकता है, एक्चुअली एडमिशन हो सकता है ओरली भी या डॉक्यूमेंट्री भी, और मैंने आपको बताया सेक्शन 17 हमें कहता है ओरल भी एडमिशन हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी, और इसके साथ साथ एविडेंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो भी, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं कि भाई प्लीडिंग से पता चल जाए, और बाय नॉन ट्रावर्स बाय अग्रीमेंट इस तरीके से पता चल जाए। ये देखो भाई कितने तरीके के एडमिशन है, इसको टेबल फॉर्म में बना हुआ है। एडमिशन दो तरीके के, फैक्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट और नोटिस। तो इसमें जो नोटिस के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं तो ऑर्डर 12 रूल 2 उसमें डील करेगा, और फैक्ट के बारे में प्लीडिंग में पता चल जाता है ऑर्डर 7, 8, फिर अदरवाइज देन प्लीडिंग में भी पता चल सकता है, ठीक है। इन प्लीडिंग एक्सप्रेसली जहां बताए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 11 रूल 22, कंस्ट्रक्टिवली कहां बताए गए हैं ऑर्डर 8 रूल 3-4, ऑर्डर 12 रूल 2A, ठीक है। तो यहां बताए गए हैं अदरवाइज देन प्लीडिंग, जो हमने अभी पीछे छोड़ा था कि दोस्त के टाइप हैं, देखो देख लो, इन प्लीडिंग अदरवाइज देन इन प्लीडिंग। तो अदरवाइज देन इन प्लीडिंग में क्या क्या आता है, वहां थोड़ा ना स्पेस कम था इसलिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे बनाना पड़ा। अदरवाइज देन इन प्लीडिंग में आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय कोर्ट, तो कोर्ट की एग्जामिनेशन के दौरान भी जो है एडमिशन बनते हैं ऑर्डर 10 रूल 1-2, ओथ पे भी बनते हैं ऑर्डर 10 रूल 2, ऑर्डर 18 रूल 3, इन आंसर टू इंटेरोगेटरीज भी बनते हैं, मतलब नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, और नंबर 5 ये, तो 5 तरीके से और बनते हैं। इन आंसर टू इंटेरोगेटरीज ऑर्डर 11 रूल 8 22, ठीक है, ऑन नोटिस ऑर्डर 12 रूल 4, बाय अग्रीमेंट्स ऑफ पार्टीज ऑर्डर 23 रूल 3। तो यहाँ पर एडमिशन के प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर आता है कंक्लूसिवनेस ऑफ एडमिशन,
देखो एडमिशन जो होते हैं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, ये हमने आपको बताया 31 हमें सिंपल बताता है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव, दे मे बी एक्टेड लाइक एस्टोपल, उन्हें एस्टोपल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। ये एक सिर्फ पीस ऑफ एविडेंस होता है, ये गलत भी हो सकते हैं, ग्रेचुटस भी हो सकते हैं। ग्रेचुटस का मतलब किसी ने किसी से फेवर ले लिया कि ठीक है मैं एडमिशन कर दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे देना, तो ये गलत हो गया है ना। तो गलत भी हो सकती है, कोई गलत दे रहा है या फिर ग्रेचुटसली भी दे रहा है। एडमिशन विड्रॉ किए जा सकते हैं और ये एक्सप्लेन भी किए जा सकते हैं, ये गलत भी प्रूव किए जा सकते हैं। ओरल एडमिशन जो होते हैं वो थोड़े कम वैल्यू रखेंगे, डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा रखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट जो होंगे वो ज़्यादा रखेंगे। एडमिशन अगर को डिफेंडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको दूसरे को डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब हम पढ़ते हैं CPC के साथ साथ एविडेंस एक्ट में भी। नोटिस टू एडमिट केसेस रूल वन से वैसे मैं आपको सभी बताऊंगी, बट सिंपल थोड़ा थोड़ा हम एक ब्रीफ के तौर पे ले रहे हैं पहले। तो नोटिस टू एडमिट केस का मतलब रूल वन, हमारा ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं, 12। तो ऑर्डर 12 का रूल वन कहता है कि कोई भी पार्टी, तो एनी पार्टी जब वर्ड यूज़ हो गया तो मतलब प्लेंटिव भी यहाँ पर आ गया, प्लेंटिव भी एडमिट कर सकता है सारे के सारे, क्या सारे के सारे केस को, या फिर कोई केस के पार्ट को ऑफ द अदर साइड इन राइटिंग। ठीक है, एनी पार्टी टू द सूट कैन एडमिट द होल और पार्ट ऑफ द केस ऑफ द अदर साइड इन राइटिंग, राइटिंग में एडमिट कर सकते हैं। एडमिशन शुड बी टेकन एज ए होल, इस बात को ध्यान रखना, एडमिशन शुड बी टेकन एज ए होल, ऐसा नहीं होगा कि कुछ बात को तो स्वीकार कर लिया और कुछ बात को छोड़ दिया। एडमिशन जो है वो पूरे के पूरे ही यूज़ किए जाएंगे या फिर कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट की मर्जी है कि वो पूरे का पार्ट को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे, समझ गए बात को, ये कोर्ट की मर्जी है कि वो किसी पार्ट को एक्सेप्ट करती है, किसी को रिजेक्ट करती है, लेकिन जब एडमिशन लिए जाएंगे वो पूरे के पूरे लिए जाएंगे। अगर मतलब आप जो बात कह रहे हो पूरी बात बताइए, ऐसा नहीं कि आप आधी बात बता रहे हो, आधी बात अब बताना नहीं चाह रहे हो। कोर्ट की मर्जी है कौन सी बात को लेती है कौन सी बात को नहीं लेती, लेकिन एडमिशन कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, मस्ट वर्ड यूज, दिए कैसे जाएंगे, कंप्लीट होल दिए जाएंगे। बट इन केस जब जहाँ पर एक पोर्शन जो है एडमिट किया गया है और दूसरे पोर्शन को डिनाई किया गया है और दोनों के दोनों पोर्शन जो होते हैं सेवरेबल हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये हेल्ड हुआ था कि प्लेंटिक जो है जजमेंट जो है वो एडमिटेड फैक्ट के ऊपर, जो डिफेंडेंट ने एडमिट किए उन बातों पे मांग सकता है। देखो एक व्यक्ति से कुछ बात पूछी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति से हमने एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति ने, ये ए है इसने बी के ऊपर एक केस किया कि आपने मेरे घर की पोजेशन ली है और ये घर के साथ साथ मेरे घर के बराबर वाला जो प्लॉट है उसकी भी आपने ज़बरदस्ती पोजेशन ले ली है। तो अगर वो व्यक्ति बोले कि मैंने जो है घर का पोजेशन ली है और मैंने जो है उसकी वो एडमिशन करता है, मैंने ली है और मैंने आपके बराबर वाले घर की पोजेशन नहीं ली, तो उसने आधा एडमिशन किया आधा एडमिशन नहीं किया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस आधे एडमिशन को कोर्ट चाहे तो इस्तेमाल करें, कोर्ट चाहे तो इस्तेमाल ना करें। समझ में आई, उसने तो पूरी बात कही, उसने पूरी बात कही कि एक बात को उसने स्वीकार किया दूसरी बात को उसने डिनाई किया। अब यहाँ पर एक बात हमें देखनी है, कोर्ट में जब दोनों पोर्शन अलग हो सकते हैं, दोनों बातें अलग हो सकते हैं, घर और बराबर वाला घर दोनों अलग अलग हैं, एक ही घर में मेरे एक रूम की पोजेशन मैंने आपकी ले रखी थी दूसरे की नहीं ले रखी थी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति एक घर के कमरे पे कब्जा करके बैठ जाएगा, वो तो फिर पूरा घर ही कब्जाएगा ना। घर में कमरे करने का में कब्जा करने का मतलब उसका कहीं ना कहीं हक है प्रॉपर्टी में मांगना चाह रहा है, ऐसे बहुत केस देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि भाई अगर हम अलग अलग कर सकते हैं पोर्शन को, अगर अलग अलग हो सकता है जहाँ पे उसने एडमिशन किया जहाँ पे डिनाइल किया, तो जो पोर्शन उसने एडमिट किया जो प्लेंटिफ है उसको बोल सकते हैं आप इसी पे जजमेंट सुना दीजिए, जैसा आप कम से कम मेरा घर तो वापस आ जाए, नहीं चलो प्लॉट नहीं देता उसको बाद में देखेंगे, आप देखिए कि कैसे मतलब करना है। लेकिन अब ये इस चीज़ को तो मान ही रहा है ना कि घर मेरा है वो दिलवा दीजिए, तो दैट इज़ वॉट हाफ पोर्शन पे वो कर सकता है। फिर नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, इसको ध्यान से पढ़ना, रूल 2 से लेकर के इसके प्रोविज़न 3A और 8 में भी हैं।
जब डिस्कवरी और इंस्पेक्शन हो जाता है तो दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी, चाहे डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, दूसरी पार्टी को कह सकती है नोटिस देके कि आप जो है एडमिट कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स। ये हमने कल भी पढ़ा था, 7 दिन के अंदर अंदर जो पार्टी है उसको रिस्पोंड करना होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। अगर वो रिस्पोंड नहीं करती है या फेल हो जाती है या फिर वो डिले करती है किसी भी तरीके से, तो सिंपल सी बात है, अगर वो डिले करती है तो वो लायबल होएगी, वो लायबल होगी कि उसको आंसर करना पड़ेगा कि बताओ भाई आप ऐसे क्यों लेट क्यों करा, अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया उसके, इसने जो है नोटिस का, जिसने आप जिसमें उसने आपसे नोटिस मांगा, नोटिस दे करके आपसे कहा था कि आप एडमिट करिए इफेक्ट को। मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 डेज, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन टाइम में अगर वो नहीं एडमिट करता है तो वो लायबल होगा आंसर देने के लिए कि क्यों देरी हुई, और कॉस्ट भी, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम और डिले एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम, उसके लिए वो लायबल होगा, कॉस्ट भी वो देनी पड़ेगी और ये भी, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कुछ कोर्ट कुछ और कहती है तो वो बात अलग है, अदरवाइज ये करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एडमिशन करने के लिए बुलाया जाता है अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया गया या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन के थ्रू वो डिनाई नहीं किया गया, या फिर अगर उसको जो है एडमिट नहीं किया गया पार्टी के द्वारा प्लीडिंग में, या फिर रिप्लाई नहीं किया गया नोटिस में, तो उसका मतलब माना जाएगा कि वो डीम्ड कैसा है, वो एडमिटेड है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको बुलाया जाता है एडमिशन करने के लिए, अभी हमने कहा, तो अगर व्यक्ति उसको डिनाई नहीं करता कि भाई ये मैं बात कह रहा हूँ, भाई ये बात आप गलत बोल रहे हो, ऐसी बात है नहीं, तो अगर वो डिनाइल नहीं करता किसी की चुप्पी खामोशी, तो यहाँ पर हाँ मान ली कि ठीक है भाई हाँ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसने कोई अपनी प्लीडिंग में उसने एडमिट नहीं किया तो उसको भी मान लेंगे, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया नोटिस का तब भी मान लेंगे कि उसने एडमिट कर लिया। लेकिन इस चीज़ की एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अगर वो व्यक्ति अंडर डिसेबिलिटी है, मतलब किसी भी तरीके की उसे परेशानी है मानसिक शारीरिक, तो उस केस में अगर वो बंदा खामोश है जवाब नहीं देता है तो उसकी बात को हम यहाँ पर उसकी जो है एडमिशन नहीं मानेंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन जो कि बिना वैलिड रीज़न के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एडमिट करने के लिए या तो रिफ्यूज़ कर देता है या फिर नेगलेक्ट करता है, तो उस व्यक्ति को पिनलाइज्ड किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, और उसको क्या करना पड़ेगा पनिशमेंट के तौर पे दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और कोर्ट जो है इस बात को अपने आप भी कह ले सकती है, डॉक्यूमेंट को कह सकती है कि भाई आ जाओ आप डॉक्यूमेंट मुझे जो है एडमिट करो, किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है इस बारे में कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, एडमिट करने के लिए किसी भी स्टेज पर बुला सकती है पार्टी को। अगर किसी केस में कोई डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है एक लिमिटेड पर्पस के लिए, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ डिस्पेंसिंग विद फॉर्मल प्रूफ ऑफ इट, इट कैन नॉट बी सेड दैट द पार्टी देयर बाय एक्सेप्ट द फैक्ट स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। इसको ध्यान से समझना, अगर एक केस में क्या होता है कोई डॉक्यूमेंट जो होता है उसको एडमिट किया जाता है एक लिमिटेड पर्पस के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि थोड़े टाइम के लिए मुझे फॉर्मल प्रूफ से छुट्टी दे दिया जाए, तो उसके लिए उसने क्या किया, एडमिशन कर लिया डॉक्यूमेंट को, एडमिशन किया लिमिटेड पर्पस के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने जो है फैक्ट जो लिखे गए थे डॉक्यूमेंट उनको एडमिट कर लिया। अगर लिमिटेड पर्पस के लिए उसने किसी फैक्ट को एडमिट करा है तो उसको नहीं माना जाएगा कि उसने एडमिशन किया। जो फॉर्म ऑफ नोटिस है जो कि डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए भेजा जाता है, जिस फॉर्म में नोटिस भेजा जाएगा वो फॉर्म नंबर 9 होगा अपेंडिक्स सी में, विद वेरिएशन एज पर रिक्वायरमेंट, अगर ज़रूरत होगी तो भाई आप उसमें वेरिएशन कर सकते हो। तो नोटिस टू एडमिट फैक्ट से रिलेटेड है रूल 5 एंड 4। इसमें कहा गया है कोई भी पार्टी जो मतलब कोई भी पार्टी सूट की, चाहे वो प्लेंटिफ हो जो डिफेंडेंट है, वो दूसरी पार्टी को बुला सकती है जो कि उसने एडमिट किए ना फैक्ट्स को सूट में, उनको जो है वो एडमिट किए हुए फैक्ट्स को बुला सकती है उन्हें एक नोटिस दे करके, जो नोटिस जो है 9 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किससे 9 दिन, कौन से, जो कि आपने फिक्स करी है ना हियरिंग की डेट, जो हियरिंग की डेट फिक्स हुई है उसके उससे ज़्यादा, उसके उससे पहले पहले 9 दिन से ज़्यादा का नोटिस नहीं हो। जैसे समझो
ए ने बी को एक नोटिस दिया और वो नोटिस समझो आज दिया, आज के तारीख है आज भाई 1 जुलाई और हमारी हेयरिंग की डेट है 13। तो यहाँ पर ध्यान रखना 9 दिन से ज़्यादा का नोटिस टाइम पीरियड उसे नहीं होना चाहिए बिफोर द डेट फिक्स फॉर द हेयरिंग। हेयरिंग की जो डेट है ना उससे पहले का उसे समय देना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना है 9 दिन का समय उसे देना है, सिंपल। और जो फैक्ट है विल बी मैंशन इन द नोटिस, वो नोटिस के अंदर मैंशन होंगे। और अगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ करती है या नेगलेक्ट करती है जो एडमिट फैक्ट्स हैं विद इन 6 डेज, ठीक है, जो नोटिस को सर्व हुआ उसके सर्व होने के अगर 6 दिन के अंदर अंदर वो नेगलेक्ट करती है या डिनाई करती है तो उसके उस बात क्या होगा, उस ये बात कोर्ट को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, ये बात कोर्ट को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। हालांकि जो कॉस्ट होगी ये फैक्ट को प्रूव करने की या फैक्ट्स को प्रूव करने की वो पार्टी को बियर करनी पड़ेगी। ये जो एडमिशन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है एज ए होल, एक पार्ट हम उसको इग्नोर या उसको रिजेक्ट या उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके साथ साथ एडमिशन जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, एडमिशन बनाए जाते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सूट, जिस सूट की बात हम कर रहे हैं, इससे अलावा किसी और के बारे में नहीं कर रहे हैं हम बात। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इन एडमिशन को किसी और ओकेजन पे या किसी और व्यक्ति के को फेवर देने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। सोचो सिंपल सी बात है, आज सूट में मामला चल रहा है, अगर व्यक्ति ने कोई एडमिशन कर लिया एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के मतलब के सूट पे किसी तरीके का एडमिशन कर लिया तो जो एडमिशन हुआ है वो आज ही के सूट पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि वो कल आप कोई बात उठा के लाओगे और कहोगे भाई देखो भाई इसने तो ऐसे करा। यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट कुछ कुछ बातें कहता है लेकिन वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, यहाँ एडमिशन की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे तो था कि अगर कोई जजमेंट आया है मैट्रिमोनियल में या फिर प्रोबेट से रिलेटेड कुछ बात है तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे एडमिट हो सकती कोई बात प्रीवियस जजमेंट, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ उन्होंने साफ कहा एडमिशन अगर किसी सूट से रिलेटेड है तो भाई सूट पे एप्लीकेबल होगा, आप कहीं और उसे नहीं ले जा सकते। अगर एडमिशन किसी कंडीशन की सब्जेक्ट है मतलब ये किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है तो ये तभी जो है एक्सेप्ट होगी उसी कंडीशन के साथ ही। फिर फॉर्म ऑफ नोटिस जो होगा कैसे जाएगा, फॉर्म नंबर 10 में अपेंडिक्स सी में दिया गया, और एडमिशन जो बनाए जाएंगे फॉर्म नंबर 11 पे बनाए जाएंगे। ये बात हमें समझ में आ गई मोटा मोटा, ठीक है। अब जजमेंट की बात करें अगर ऑन एडमिशन तो उसके लिए रूल 6 है। तो रूल 6 क्या कहता है, जब एडमिशन बनाए जाते हैं पार्टियों के द्वारा तो उस केस में हम फाइनल अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वो बात अलग है, जजमेंट तो उसी के बेस पे कर रहे हैं, फैक्ट्स और प्लीडिंग के या फिर किसी और तरीके से जो उन्होंने एडमिशन बनाया होगा, एडमिशन ओलर भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है, या तो एप्लीकेशन से हो सकता है या फिर ऑन मोशन हो सकता है, और उसमें हम क्वेश्चंस जो होंगे पार्टीज़ के वो डिसाइड किए बिना भी एडमिशन कर सकते हैं। तो कोर्ट जजमेंट दे सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन बाय पार्टीज एंड कैन गिव आउट द जजमेंट जब उन्हें उचित लगता है एडमिशन से लेकर के एडमिशन के बेस पे। फिर जजमेंट ऑन एडमिशन वाली बात ही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। पावर टू गिव रिलीफ विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन इज डिस्क्रिशनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। जो ये पावर है कि वो रिलीफ देंगे एडमिशन के बेस पे नहीं, कौन, कोर्ट, जज साहब जो आपको बनना है ना भाई, कि वो देंगे नहीं देंगे इस बेस पे रिलीफ, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है, उनके अपने विवेक पे डिपेंड करता है, उन्हें अपने उचित अनुचित की बात पे डिपेंड करता है। वाइड डिस्क्रिशन है कि भाई इस बेस पे वो डिक्री दें या फिर नहीं दें, जजमेंट पास करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है। कोई भी क्लेम प्लेंटिव जो होगा उसको एज ए मैटर ऑफ राइट कि प्लीज़ एडमिशन तो मेरा हक है ऐसा करके नहीं आएगा, और एसएम आसिफ वर्सेस वीरेंद्र कुमार बजाज 2015 के केस में भी ये कहा गया था। यहाँ तक कि कोर्ट भी बुला सकते हैं एविडेंस के लिए बिफोर पासिंग सच डिक्री अगर उनकी ओपिनियन में सेफ नहीं है कि भाई हम जजमेंट पास करें एडमिशन के बेस पे, या फिर एक केस जो है उनमें क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जो कि अप्रोप्रिएटली डील करता है और डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। जितने भी एवरमेंट्स हैं जो कि रिटर्न स्टेटमेंट में बनाए जाते हैं वो अगर ट्रिवियल मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ को भी अगर मतलब रेज करता है कुछ सर्कमस्टांसिस में तो जो डिक्री है वो यहाँ पास नहीं होगी, छोटी छोटी बातों से अगर रिलेटेड है। इसके अलावा एक जजमेंट अगर एडमिशन पे देना है तो कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि एडमिशन डेफिनेट है, क्लियर है,
वेदर द एडमिशन इज़ क्लियर और नॉट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस. हर केस के अपने अलग फैक्ट होंगे, तो वो क्लियर हैं या नहीं है ये फैक्ट से ही पता चलेगा. रवीश चंद जैन वर्सेस राज रानी जैन 2015 के केस में भी कहा गया. और कुछ केसेस में जब भी अप्रोप्रिएट हो, उचित हो, तो कोर्ट जो है पार्टी को प्रीवियस एडमिशन भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 41 जजमेंट के बारे में कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का कि प्रीवियस जजमेंट, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कहीं उसने प्रीवियसली कोई एडमिशन किया है तो उस एडमिशन को भी वो बोल सकते हैं कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करिए. ये बात जियो ग्रुप कम्युनिकेशन वर्सेस IOL ब्रॉडबैंड लिमिटेड 2010 के केस में भी कही गई थी. केस लो देखो, एक है हमारे पास थ्रोप वर्सेस होल्सवर्थ का 1876 का. इसमें कहा गया कि ये जो रूल है वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उन्हें इस बात से छुटकारा दिलाता है कि आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे कंट्रोवर्सी है नहीं, आराम से एडमिशन हो गया, काम निपटा. आर के मरकन वर्सेस राजीव कुमार मरकन के केस में भी ये कहा गया कि एक डिग्री को अगर एडमिशन के बेस पर अगर जो है वो पास करना है, प्लीडिंग जो डिफेंडेंट लेके आया था, रिटर्न स्टेटमेंट लेके जो आया था, उसने उसमें कुछ एडमिशन करे, तो उसके बेस पर अगर एक डिग्री पास होनी है तो ये लॉ है कि जो एडमिशन जो है वो क्लियर होने चाहिए, बिना किसी शक गुंजाइश के होने चाहिए. एडमिशन रिटर्न स्टेटमेंट में होने चाहिए, वो एज ए होल होने चाहिए, वो इन पार्ट हम नहीं लेंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं. भाई एक केस लो और है, रज़िया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम 1958 का केस. यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को इस बेस पे डिक्री लेने के लिए मना किया. किस बेस पे मना किया? कि जो भाई अगर एक पार्टी इसको ही नहीं अफेक्ट कर रही बल्कि उनकी जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, कि आप जो है अगर इस प्रोविज़न में एडमिशन के बेस पे किसी डिक्री को पास कर दे रहे हो और वो डिक्री जो होगा सिर्फ पार्टीज़ को ही नहीं उनके आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करने वाला है, तो ये गलत बात है. एपेक्स कोर्ट ने ये चीज़ गलत मानी. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब एक डिक्री पास होती है, ऑर्डर 12(6) में जजमेंट हमने कहा ना, तो जब जजमेंट लिखा जाता है जज को ऑर्डर 7 रूल 5 भी देखना होता है, और दोनों प्रोविज़न को एक साथ पढ़ने के बारे में ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो डिक्री अंडर रूल 6 में पास की गई है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स पर ही एप्लीकेबल होती है. जो कि डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, नोट अदरवाइज वेयर द क्लेम इज़ बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट विच नीड प्रूफ. जहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत होती है दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे, तो वहाँ नहीं हम बात कर रहे, सिर्फ कमर्शियल की बात कर रहे हैं. जैसे कि बिल के मामला हुआ, गिफ्ट का मामला हुआ, सेल का मामला हुआ, कोपार्सेंट्री डॉक्यूमेंट्स का बात हुआ, तो एडमिशन एररनेस हो सकते हैं, इसीलिए उनको हम प्रूवन नहीं घोषित कर सकते. जैसे हमें समझ में आई ना ये बात कि भाई इस बात को हमने देखना है, दोनों के प्रोविज़न साथ में पढ़ने हैं, तो अब दूसरे प्रोविज़न होंगे तो हम उन्हें मान लेंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों से रिलेटेड है तो फिर भाई नहीं मानेंगे. अब आ जाओ बेरेट की लैंग्वेज पे. बेरेट की लैंग्वेज सिंपल सबसे पहले शुरुआत करती है रूल 1 की. तो रूल 1 क्या था? नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस. तो यानी कि जो पार्टी है, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड देखो क्या लिखा है, एनी पार्टी. क्या लिखा है? एनी पार्टी. तो कोई भी पार्टी जो सूट से रिलेटेड है, मतलब प्लेंटिव या डिफेंडेंट क्या हुआ, वो नोटिस दे सकते हैं अपनी प्लीडिंग के द्वारा, ये किसी और तरीके से लिख करके कि भाई आप एडमिट करते हैं सच को, जो या तो कम्प्लीटली या पार्ट में दूसरे पार्टी के द्वारा बनाए गए केस में. जैसे ए ने बी के खिलाफ कोई मुकदमा लाया, आप मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हो, दूसरा व्यक्ति अपना रिटर्न स्टेटमेंट डालता है, कहता है हाँ मैं कब्जा करके बैठा हूँ, तो दैट इज़ वोट क्या हुआ, एडमिशन. तो अपनी प्लीडिंग के द्वारा या फिर किसी और तरीके से इस चीज़ को एडमिट किया जाता है कि ये बात सकते हैं, या तो पूरी पूरी तरह या फिर आधी अधूरी पार्ट ऑफ द केस, या किसका, दूसरी पार्टी का, जो दूसरी पार्टी केस लेके आई है. चलो फटाफट रूल 2 पे आते हैं. रूल 2 कहता है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो दूसरी पार्टी से, जैसे ए ने बी से कोई डॉक्यूमेंट मांगने हैं तो उसे नोटिस देगा कितने दिन का, 7 दिन का.
फिर वो व्यक्ति अगर उसके रिफ्यूज़ करता है, मना करता है, नहीं एडमिट करता है, या फिर वो डिले कर देता है जानबूझ के फिर प्रोसीडिंग को, तो उस केस में यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उसी व्यक्ति को जो कि नेगलेक्ट कर रहा है या मना कर रहा है। नेगलेक्शन का मतलब नहीं ले रहा, मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा, और रिफ्यूज़ल का मतलब आपके जो ये आप बोल रहे हो ये गलत है, ठीक है। तो अगर वो नेगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो उस केस में रिज़ल्ट चाहे मतलब कुछ भी वो बात अलग है, लेकिन अगर व्यक्ति ने नोटिस दिया है, नोटिस दिया है तो उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा जिसको नोटिस दिया गया था और उसने नोटिस पे एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया गया तो फिर वहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए ये उसको नहीं बोला जा सकता, किसको, जिस पार्टी ने निगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, नोटिस किया आंसर देने के लिए, एडमिट करने के लिए। रूल 2A पे आते हैं। रूल 2A कहता है डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ़ नोट डिनाइड आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कि एक पार्टी को बुलाया गया आप एडमिट कर लो, और अगर वो स्पेसिफिकली ये नेसेसरी इम्प्लीकेशन ये हमने सब पढ़ लिया है, वो एडमिट नहीं करती है रिप्लाई में, तो क्या होगा भाई, जो एडमिट हमने कहा नोटिस थे आपको बिना आप रिप्लाई करो, तो मान लिया जाएगा कि हमने अभी पढ़ा था, आपको बताया था कि अगर वो रिप्लाई नहीं करता है, ये निगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, या फिर वो एडमिट ही नहीं करता उस बात को, तो मान लिया जाता है कि ये एडमिशन इसके अगेंस्ट है। फिर प्रोवाइजो कहता है ये डिस्क्रिशन है, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, और कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे और रीज़न रिकॉर्ड करके रिक्वायर कर सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट जो एडमिट हुआ है उसको प्रूव करने के लिए, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, उस एडमिशन से नहीं किसी और तरीके से। फिर सब रूल 2 क्या कहता है, जब एक पार्टी अनरीजनेबली नेगलेक्ट करती है या रिफ्यूज़ करती है डॉक्यूमेंट को एडमिट करने की, जब उसे सर्विस भी हो गई है, तो कोर्ट कह सकती है उसको कि अब पे करो, कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकती है कि पे करो दूसरी पार्टी को कंपेंसेशन के तौर पे, ध्यान रखना इस बात को। रूल 3 आता है जो कहता है फॉर्म ऑफ नोटिस, क्या कहता है फॉर्म ऑफ नोटिस, तो फॉर्म ऑफ नोटिस का मतलब एक नोटिस जाता है एडमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, वो फॉर्म नंबर 9 में जाता है। रूल 3A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन, तो भाई यहाँ पर ध्यान देना, नोट विद स्टैंडिंग दैट नो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन गिवन अंडर रूल 2, अगर रूल 2 में कोई नोटिस नहीं किया दिया गया, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर अपने मोशन में मतलब अपने आप एक्शन लेते हुए किसी भी पार्टी को डॉक्यूमेंट एडमिट करने के लिए बुला सकते हैं, और इस केस में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वेदर पार्टी एडमिट, रिफ्यूज़ और नेगलेक्ट टू एडमिट सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोर्ट भी कर सकते हैं अगर नोटिस नहीं दिया गया तो। रूल 4 क्या कहता है, नोटिस टू एडमिट एक्ट्स, अगर कोई भी पार्टी नोटिस जिसे मिला वो बाय नोटिस इन राइटिंग किसी भी टाइम पर 9 दिन, यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको बताया टाइम पीरियड 9 दिन, 9 दिन के अंदर अंदर जहाँ डेट फिक्स्ड है हियरिंग की, कॉल ऑन एनी अदर पार्टी टू एडमिट, उसको एडमिट करने के लिए नहीं बुलाएगी, है ना, ठीक है। तो 9 दिन ज़्यादा टाइम हो जाएंगे तो फिर नहीं बुलाएगी, किसी स्पेशल फैक्ट को एडमिट करने के लिए या फिर फैक्ट्स को जो कि नोटिस में मेंशन होंगे, मैंने आपको बता दिया। और अगर रिफ्यूज़ल होता है, नेगलेक्ट होता है 6 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस की सर्विस के बाद भी, या फिर कोई और फर्दर टाइम पर जो कोर्ट अलाउ करती है, कॉस्ट ऑफ प्रूविंग सच फैक्ट और फैक्ट शैल बी पेड बाय द सो नेगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग वट एवर द रिजल्ट ऑफ दोस सूट में भी अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। प्रोवाइजो कहता है कोई भी एडमिशन जो कि बनाया जाता है इस नोटिस के परस्यूएंस में, जो नोटिस गया था ना 7 दिन का, उस नोटिस के परस्यूएंस में, उस नोटिस के परस्यूएंस में अगर कोई भी एडमिशन बनाया जाता है, तो उसमें कह रहे हैं कि उनको हम उसी पर्टिकुलर सूट से रिलेटेड लेंगे, उसको किसी और ओकेजन में यूज़ नहीं करेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखो रूल 5 कहता है फॉर्म ऑफ एडमिशन, जो हमने नोटिस भेजा था वो कौन से फॉर्म में था, देखो जो हमने नोटिस भेजा था वो फॉर्म नंबर 9 में था, और जो रिप्लाई करना है वो फॉर्म नंबर 10 में करना है, ठीक है। एंड एडमिशन ऑफ फैक्ट जो होंगे भाई, एडमिशन टू एडमिट फैक्ट जो होंगे वो फॉर्म नंबर 10 में है, एडमिशन ऑफ फैक्ट जो होंगे वो फॉर्म नंबर 11 में है, ध्यान से समझना इस बात को। अब जजमेंट ऑन एडमिशन, जजमेंट ऑन एडमिशन की बात ये हमने आपको अभी बताई दी कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है एडमिशन कर लेता है फैक्ट का,
तो या तो प्लीडिंग में या फिर अदरवाइज या फिर ओरली या फिर रिटन, ये सब हमने पढ़ लिया। तो कोर्ट सूट की किसी भी स्टेज पर या तो पार्टी एप्लीकेशन बनाती है या अपने आप ही, और बिना मतलब आगे फर्दर डिटर्मिनेशन के, कोई क्वेश्चन उनके बीच में हुआ है नहीं, कोई ऑर्डर मेक सच ऑर्डर और गिव सच जजमेंट जो उन्हें ठीक लगता है, जो एडमिशन से एडमिशन को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। सब रूल टू कहता है कि जब कोई जजमेंट या रूल वन में, अगर रूल वन में मतलब सिक्स के सब रूल वन में अगर कोई भी जजमेंट प्रनाउंस होता है, तो जो डिक्री होगी वो उसी के अकॉर्डिंग, जो जजमेंट आया है उसी के ऊपर बनेगी, और डिक्री जो होगी वो डेट लिखी होगी जिस डेट को जजमेंट प्रनाउंस किया। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कैसे? क्योंकि जब हम डिक्री और जजमेंट की बात करते हैं तो देखो भाई, ये अंतर भी हो गया यहाँ पे कि जजमेंट प्रनाउंस करने के बाद हम डिक्री उसी बेस पे बना सकते हैं, और जजमेंट के ऊपर जो होता है वो डेट लिखी जाती है जिस पे डिक्री के ऊपर वो डेट लिखी जाती है जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुआ। इस बात को ध्यान रखना, डिक्री के ऊपर कौन सी डेट लिखी जाती है? जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुआ। अब आता है रूल 7 से लेके 9 तक। तो रूल 7 कहता है एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। जो प्लीडर होता है या तो प्लीडर या फिर उनका क्लर्क जो होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं किसी एडमिशन के ऊपर जो कि नोटिस के थ्रू आया, मतलब नोटिस के थ्रू बोला, जिसको बोला गया था कि आप एडमिट करो, उसने एडमिट कर लिया। तो ये सफिशिएंट एविडेंस होगा उस एडमिशन का, अगर कोई एविडेंस हमें रिक्वायर है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन कर दिया और उस एडमिशन के बाद में अगर किसी ने प्लीडर ने एफिडेविट लगा दिया या फिर अपने क्लर्क का लगा दिया, एन एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और इस क्लर्क ऑफ ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशन, तो उस केस में उस चीज़ को जो है मान लिया जाएगा, कैसा एविडेंस मान लिया जाएगा। फिर कहते हैं नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। जो नोटिस हमें जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का बात करी है वो रूल हमारा फॉर्म नंबर 12 में जाएगा। और इसके अलावा जो एफिडेविट होता है प्लीडर का या क्लर्क का या फिर सर्विस ऑफ एनी नोटिस टू प्रोड्यूस होता है, एंड ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज सर्व्ड विद अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू प्रोड्यूस शैल इन ऑल केसेस बी सफिशिएंट एविडेंस। वो सफिशिएंट एविडेंस होगा। रूल 9 कहता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या कहता है? अगर कोई पार्टी नोटिस देने के बाद में भी एडमिट नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरी है, तो कॉस्ट जो होती है उस पार्टी के द्वारा, द कॉस्ट ओकेशन देयर बाय शैल बी बोर्न बाय द पार्टी गिविंग सच नोटिस। जो नोटिस दे रही है उनके द्वारा बियर किए जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात है। इफ़ ए नोटिस टू एडमिट और प्रोड्यूस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट विच आर नॉट नेसेसरी, द कॉस्ट ओकेशन देयर बाय शैल बी बोर्न बाय द पार्टी गिविंग सच नोटिस। अगर भाई कोई जरूरी नहीं थे ऐसे फैक्ट के लिए आपने नोटिस भेजना है, तो उसके लिए फिर आपको ही पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर 12, है ना? नो रूल है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नोट्स के लिए टेलीग्राम फॉलो करना। थैंक यू।